सरगुन मेहता ने इस बार बादशाह के साथ मारी उडारियां। कैसे बनी सरगुन मेहता और बादशाह की नई जोड़ी? हेलो फ्रेंड्स, मैं रौनक आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारे टीवी इंडस्ट्री के एक्टर सरगुन मेहता को जो उन्हें ढूंढना पड़ा अपने लिए नया पार्टनर, क्या क्या मस्ती की बादशाह ने सरगुन के साथ शूट के सेट पर, और बादशाह ने क्या नया कारनामा किया अपने करियर के लिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। मगर मेरा ये वीडियो देखना होगा आपको लास्ट तक। वक्रा स्वैग, चुल, सैटरडे सैटरडे, मूव योर लक, आज रात का सीन बना ले, हैप्पी हैप्पी इत्यादि जैसे गानों पर झूम उठने पर मजबूर करने वाले कलाकार म्यूजिक की दुनिया के बादशाह हैं। इनकी जितनी भी तारीफ करो उतनी कम पड़ जाए। जैसा ऊंचा कद वैसे ही दिलों को छू जाने वाला सुर, दोनों ही बुलंद है। उनका असली नाम तो वैसे आदित्य प्रतीक सिसोदिया है, मगर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने बादशाह के नाम से अपनी पहचान बनाई। ये पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्हें रैप करना शुरू से ही बेहद पसंद है। बादशाह को पंजाबी के साथ साथ हिंदी और हरियाणवी गाना गाते हुए और रैप करते हुए बेहद पसंद किया जाता रहा है, और अब तो ये म्यूजिक को भी कंपोज करते हैं। अब तक का उनका सबसे हिट हुआ गाना डीजे वाले बाबू, जो कि रातों रात यूट्यूब पर 24 घंटे के अंदर ही भारतीय आईट्यून चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया। बॉलीवुड में उनके गाए हुए गाने हम्टे शर्मा की दुल्हनिया और खूबसूरत जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बेहद पसंद किए गए। हालांकि बादशाह सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मगर बोलते हैं ना, किस्मत में जब बादशाह ही लिखी हो तो फिर कौन रोक सकता है। संगीत के लिए उनके जज्बे ने आज बादशाह को लोगों के दिलों का और बॉलीवुड का बादशाह बना दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब धूम मचाने के बाद अब बादशाह टीवी इंडस्ट्री की दुनिया पर भी छाने वाले हैं। जी हाँ, बादशाह पाजी ने अब अपने आने वाले नए टीवी सीरियल उडारियां प्रमोशन के लिए रैप सॉन्ग तैयार किया है। यह गाना सीरियल के प्रमोशन के लिए बनाया गया है, जिसमें शो के सभी किरदारों का परिचय दिया गया है। इस सीरियल में पहला किरदार गांव की मिस इंडिया बिल्लो रानी है, जिनके कुछ डिमांड्स नहीं है। सिर्फ उसके होने वाले दूल्हे के पासपोर्ट पर कनाडा का वीजा होना चाहिए। सपना लेकिन बस एक जैस्मिन से ही क्या करने का। ए जैस्मिन कौन है पला? कहने को तो मुगे की मिस इंडिया बिल्लो रानी। अच्छा? लेकिन ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है इसकी कहानी। क्यों? क्या करके जब मर्जी आप उसको लेके जाइए, बस पासपोर्ट पे कनाडा का वीजा होना चाहिए। इस कहानी के हीरो फतेह उन्हें लवर बॉय कहते हुए बादशाह बुला रहे हैं, और फतेह का सिर्फ जिंदगी में एक ही सपना है कि वो जैस्मिन से शादी करें। वीडियो में हम आगे देख सकते हैं इस कहानी के तीसरे किरदार, और उनका नाम है तेजो, जो जैस्मिन और फतेह के बीच में फंसी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन तीनों की कहानी को लग पाएंगी अपने सपने के सच होने की उडारियां, ये जानना हम सबके लिए बेहद दिलचस्प रहने वाला है। वैसे हम आपको बता दें कि बादशाह और सरगुन मेहता दोनों ने ही इस गाने को मिलकर बनाया है, और इस गाने की शूटिंग के दौरान दोनों बहुत मस्ती करते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सरगुन बादशाह को परेशान कर रहे हैं, और हमारे बादशाह कैसे सरगुन मेहता का साथ दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि उडारियां सीरियल को सरगुन मेहता ने प्रोड्यूस किया है। सरगुन मेहता खुद एक बहुत अच्छी टीवी एक्ट्रेस भी हैं, और उनका हाल में ही आया ट्रैक तितलियां जबरदस्त हिट रहा, और कामयाबी का आलम ये रहा फैंस के डिमांड पर मेकर्स को इस गाने का जवाब बनाना पड़ गया, और जवाब आया तितलियां वर्गा के नाम से। दोनों ही गाने सुपर हिट रहे, और सरगुन मेहता की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे यानी रौनक को दीजिए इजाजत, और आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।